जो प्रो कबड्डी होती है या नेशनल में जो कबड्डी होती है बॉयज की, उसका टाइमिंग होता है 20 मिनट फर्स्ट हाफ, 5 मिनट का रेस्ट और 20 मिनट सेकेंड हाफ। गर्ल्स में 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट होता है। और जैसे आपने एक रेड का टाइम बताया 18 सेकेंड, वो रेड का टाइम 30 सेकेंड फिक्स है। दूसरा, जैसे आपने बोला हुतूतू कबड्डी कबड्डी है जो भी बोलते हैं, जब से हमारी कबड्डी इंटरनेशनल में गई है, एशियाड में गई है, इसके पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं। अगर आपको कबड्डी बोलना है तो कबड्डी ही बोलिए, यदि आपने हुतूतू बोला तो टेक्निकली वो प्लेयर आउट माना जाएगा और विरोधी टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा। और तो इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि वो एक कबड्डी को, एक योग को और एक और कोई स्पोर्ट है उसको इन्वॉल्व इंक्लूड करे ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक्स का ऐसा रूल है कि वो जो कंट्री होस्ट करता है वो अपने मर्जी से कोई खेल वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा खेल उसका पूरा स्टेबल तरीके से हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं और वहाँ पे पूरा छाप देश के हमारे वहाँ छूटे। तो योग ने वो काम जरूर निसंदेह रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है और मैं मानता हूँ और प्रयासरत रहूंगा अपने पूरे इस पूरे समय में कि योग के साथ साथ में ऐसी आईपी, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हम ग्लोब को दें जिससे भारत के नाम में दो चांद और लगें और ये देश हमारा इसी तरह से कम खेलों में तो आगे बढ़ता ही जाए। इन शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सभी ने अपने यहाँ अपना समय निकाला और हम सबको अनुग्रहित किया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं, इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है, अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीजें अब धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा वो सर, अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे, तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकेंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट सीजन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका, तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर, ये सेकंड सीजन है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड सीजन हो इंडिया में हो वापस और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है कबड्डी गेम है अभी उतना पॉपुलर नहीं है, तो पॉपुलर भी होना भी चाहिए क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, इसको और ज्यादा पॉपुलर हो उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज को अपने मुंह से कहता है तो निसंदेह रूप से एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहां हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज्यादा है, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो प्रिंट में हो। मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। नीचे। मैं डॉक्टर सीमा, वुमेन कबड्डी लीग सीईओ, हरियाणा से, हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे अच्छा है, और आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट। आपने पहले कभी कबड्डी? हाँ जी, मैंने खेला, स्पोर्ट्स में रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्या स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे लाने के लिए या स्कूल लेवल पे जाएंगे, किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गाँव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना है।
और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। फिक्स कर रखा। उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितने? नहीं, 8 टीमें गई थी, 8 टीमें गई थी, अब भी 8 टीमें ही। अभी भी 8 टीमें ही हैं। और कुछ नया इसमें, कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी। क्या ला रहे हैं? इनमें दो टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। दो टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। लीग नाम आपने अपने आप से खुद रखेंगे या वो एक लेवल पर होता है, लीग के अलग अलग रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कमेटी वाले हैं वो सर। आप बताए, कुछ टेक्निकल चीजें बताए कुछ? सर टेक्निकल ये है, तो आप पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए। मैं फर्स्ट लीग सीजन जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था, और मुझे अभी हमारे जो सीईओ हैं और सीओ हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का। तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात, मैं आपको बता दूँ, अगर ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकेंड जैसे बॉयज में है, गर्ल्स में भी 30 सेकेंड की ही रेट का टाइम है। सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा, हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने ये एक्ट में कोई बच्चे, जैसे हमारे सीईओ ने बताया अभी 17 या 18 साल से हम नीचे नहीं लेंगे, और इसमें अपर एज नहीं होता। लेकिन अब की बार हमने, जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि अपर एज भी रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि चोट लगने के, ये तो मैन टू मैन गेम है, इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे को अपर एज का भी हमने प्रोविज़न रखा कि इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और रही रूल्स की बात, मैंने जैसे पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया, इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं अब। जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले कुछ भी बोलते थे, हुतु तु तु बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा। और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है, कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं खुद चाहता हूँ बताना। मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा, मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में, और 7 साल मैं थर्ड अंपायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीआरपी थी प्रो कबड्डी। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे, क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था। और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले हैं, ये जो टीम हमारी सीईओ मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है, अगर हम मेन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं। रेफरी कितने रखेंगे? रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी होते हैं, 12 रेफरी होते हैं ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं। जो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है। उसके बाद एक थर्ड रेड भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेड बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई, उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई है, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं, और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू हो जाता है। तो उसके लिए एक रेफरी अलग से होता है। तो हम एक बार में 12 रेफरी लगाते, और कुछ स्पेयर 4, 5, 7 जैसा भी होता है वो रखने पड़ते हैं, बाय चांस किसी को कुछ इशू आ गया, या फिर एक आदमी, जैसे हमने अभी फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3 मैच पर डे कराएं, तो एक आदमी 3 घंटे नहीं खड़ा रह पाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे, जो बैठा था टेबल पे उसको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, जो ग्राउंड में है उसको चेंज कर देंगे, लेकिन 12 रेफरी तो एक बार में लगेंगे। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.